हेलो फ्रेंड्स। और आज हम ना परवल की और आलू की सूखी हुई सब्जी बनाने जा रहे हैं बिना प्याज और लहसुन के। बहुत ही यम्मी बनती है, यकीन मानिए। हमने आलू को बॉईल कर लिया और इसको कट कर लिया है, ठीक है। और परवल भी हमने धोकर रख लिया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसकी ग्रेवी मैं बिल्कुल सामने बनाऊंगी ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ये बाद में डालती होंगी वगैरह ऐसा कुछ भी। तो ये टोमेटो है, ठीक है, और ये थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे इसमें, ठीक है। और ये देखिए हमने टमाटर काट लिए और अदरक डाला है और थोड़ा दो चार हम इसमें लौंग इलायची डालेंगे और बस इसकी भी हम ग्रेवी बनाते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। और इसे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा दो लाल ये सूखी हुई मिर्च है इसको हम डाल देते हैं और इसको हम पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है ना, टमाटर अदरक का, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं डाला है और अब हम इस परवल को फ्राई करेंगे। और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है देखिए, और इसमें हम कटे हुए परवल को डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और ये ना जब लाल हो जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि तब हमारी सब्जी ना बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगी। तो थोड़ा ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और जब लाल होता है ना तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा कि परवल हरा हरा है ना। तो इसको हम थोड़ा ढक कर पका लेते हैं। और ये देखिए हमने इसको ढक दिया थोड़े टाइम के लिए और फिर हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। ये देखिए कोई कोई ऐसा रेड हो रहा है ना लाल लाल, तो ऐसा ही हम सारे को हम करेंगे। उसके बाद फिर इस परवल को फिर इसको अलग निकाल लेंगे तभी तो ये थोड़ा और फ्राई होगा। और ये देखिए हमारे परवल कुछ हद तक हो गए हैं ना, देख सकते हैं आप सभी। तो इन सभी को हम अलग एक थाली में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जीरा का तड़का और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी हींग और ये तेज पत्ता। और जो हमने ग्रेवी बनाई थी इसमें है, आपको बता चुकी हूँ। और टमाटर है, अदरक है, लौंग और इलायची का हमने बनाया है, इसको हम और हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और एक हमने दो मिर्ची पीसा हुआ है तो इसमें हम किचन किंग या सब्जी मसाला थोड़ा सा कम डालेंगे ताकि ज्यादा तीखा ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना देखिएगा, ठीक है। और हम इसको अच्छे से इसको थोड़ी देर हमको भूनते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए, ठीक है। और इसी में जो कटा आलू है इसमें हम इसको ऐड करके इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमारा मसाला इसमें अच्छे से मिल जाएगा। और इसी में हम ये जो परवल फ्राई किए थे इसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा, और फिर इसको हम ढककर पकाएंगे, ठीक है। ये है हमारी आलू और परवल की सब्जी। आप लोग जरूर बताना कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम, ठीक है। और इसको हम अब इसको ढक देते हैं। और यकीन मानो फ्रेंड्स बिना प्याज लहसुन के भी सब्जी बहुत ही यमी बनती है, तो ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। और इसको हम ढक देते हैं। और अच्छा लगे तो बताइए, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।